ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं और उसका रहस्य क्या होता है। वेद के अनुसार यज्ञ पांच प्रकार के होते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। यज्ञ का अर्थ है श्रेष्ठ कर्म, शुभ कर्म, सत्कर्म, वेद सम्मत कर्म, सकारात्मक भाव से ईश्वर प्रकृति तत्वों से किए गए आह्वान से जीवन की प्रत्येक इच्छा पूरी होती है। अभी सबसे पहले हम आपको बताएंगे ब्रह्म यज्ञ के बारे में। जड़ और प्राणी जगत से बढ़कर है मनुष्य, मनुष्य से बढ़कर है पितर अर्थात माता पिता और गुरु, पितरों से बढ़कर है देव अर्थात प्रकृति की पांच शक्तियां और देव से बढ़कर है ईश्वर और हमारे ऋषिगण। ईश्वर अर्थात ब्रह्म, यह ब्रह्म यज्ञ संपन्न होता है नित्य संध्या वंदन, स्वाध्याय और वेद पाठ करने से। इसके करने से ऋषियों का ऋण अर्थात ऋषि ऋण चुकता होता है। इससे ब्रह्मचर्य आश्रम का जीवन भी पुष्ट होता है। फिर दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ जो सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म से संपन्न होता है, इसके लिए वेदी में अग्नि चलाकर होम किया जाता है, यही अग्निहोत्र यज्ञ। यह भी संधि काल में गायत्री छंद के साथ किया जाता है। इसे करने के नियम है, इससे देव ऋण चुकता होता है। हवन करने को देव यज्ञ कहा जाता है। हवन में सात पीढ़ी को संधियां सबसे उपयुक्त होती है, आम, बड़, पीपल, ढाक, जाटी, जामुन और शमि, ये सात पेड़ हो गए। हवन से शुद्धता और सकारात्मकता बढ़ती है, रोग और शोक मिटते हैं, इससे गृहस्थ जीवन पुष्ट होता है। फिर होता है पितृयज्ञ। सत्य और श्रद्धा से किए गए कर्म, श्राद्ध और जिस कर्म से माता पिता और आचार्य तृप्त हों वह तर्पण है। वेदानुसार यह श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों, माता पिता और आचार्य के प्रति सम्मान का भाव है। यह यज्ञ संपन्न होता है संतानोत्पत्ति से, इसी से पितृऋण भी चुकता होता है। फिर है वैश्वदेव यज्ञ, इसे भूत यज्ञ भी कहते हैं। पंच महाभूत से ही मानव शरीर है। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य समझना, उन्हें अन्न जल देना ही भूत यज्ञ और वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। अर्थात जो कुछ भी भोजन कक्ष में भोजनार्थ सिद्ध हो उसका कुछ अंश उसी अग्नि में होम करें जिसमें भोजन पकाया जाता है, फिर कुछ अंश गाय, कुत्ते और कौओं को दें, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। और फिर है अतिथि यज्ञ। अतिथि से अर्थ मेहमानों की सेवा करना, उन्हें अन्न जल देना। अपंग महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धन की रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। इससे सन्यास आश्रम पुष्ट होता है, यही पुण्य है, यही सामाजिक कर्तव्य है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।